Hello dear students, welcome back. This is Hasham sir and you are watching me on YouTube. Dear student, आज आपने जैसा कि thumbnail पे ही देख लिया होगा कि आज एक बहुत important topic पर हम discuss करने वाले हैं. इसी पर मैंने एक particular topic पर जिसका नाम है Managers Commission, इस पर ये मेरा पूरा आज का lecture होगा. तो आप ध्यान से देखते रहें Managers Commission को हम कैसे calculate करते हैं. बोर्ड पर पीछे आप देख पा रहे होंगे थ्योरम में कुछ लिखा हुआ है, कुछ थ्योरी लिखी हुई है. ये थ्योरी लिखना इसलिए ज़रूरी था ताकि आप पूरे कॉन्सेप्ट को प्रॉपर वे में समझ पाएँ. तो आइए शुरू करते हैं, कितना इजी लगेगा आपको. देखिए मैंने यहाँ पर टॉपिक पर लिखा हुआ है मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट पर मैनेजर्स का कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं. इट इज़ क्वाइट ईजी, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड. गिवन है, कहा जा रहा है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी ऐसे कमीशन को चार्ज करने से पहले क्या सीन बनेगा. देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, मान लेते हैं ऐसा कि जो प्रॉफिट था बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी इसका कमीशन देने से पहले क्या सीन था. देखिए लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि इस 22,000, यानी ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट था वो 22,000 रुपए था. तो क्या करना है, कह रहे एंड मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10%. और मैनेजर को कितना कमीशन मिलना था, 10% देना था. लेकिन एक बड़ी बात लिखी है, उसके बाद ऑन द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये इसको हल्के में मत लीजिएगा. ये जो बिफोर लिखा हुआ है इसको मैंने डबल इनवर्टेड कॉमा में और इसको हाईलाइट भी इसीलिए किया हुआ है कि आप इसको जानते रहें. अगर केस इस तरह का गिवन हो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो एज इट इज जब 22,000 जो प्रॉफिट था उसको हमने दिखला दिया, कमीशन अलाउ करके दिखा रहे हैं, 22,000 था, इसमें हम एज इट इज दिखाएंगे 10/100, यानी 10/100 करके हम दिखाएंगे. तो ये हमारा अमाउंट जो आएगा 2,200 आएगा. मतलब क्या आया समझ में, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब आप ये सीन क्रिएट होता है, 22,000 है अगर अमाउंट आपका गिवन है, 22,000 अमाउंट गिवन है और कहा गया है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो इसमें कोई इशू नहीं है. आप देखिए कितना इजी लगेगा, आप सीधे सीधे इस अमाउंट का 22,000 का 10% जैसे आप नॉर्मली निकालते हैं 10/100 कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा. ये हो गया पहला केस, बिफोर में कुछ नहीं है. दिस इज क्वाइट इजी, जैसे आप एज इट इज करते हैं वैसे आपको करना है, इसमें कुछ नया नहीं है. लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड टॉपिक, दैट इज उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे. देखिए क्या है, तो टॉपिक के बारे में अगर हम बात करें तो गिवन है यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इस टॉपिक का नाम है आफ्टर, याद करिएगा इसको. दो ही चीज याद करना है, एक बिफोर एक आफ्टर, एक बिफोर एक आफ्टर, ये दो चीजें दिमाग में सेट हो गई तो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लोगे. आफ्टर समझ में आ गया, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन इज 22,000, कहा जा रहा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इज कमीशन इज 22,000, यानी 22,000 है. एंड अ मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. मैंने कहा यहाँ पर लिखा हुआ था बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो 10/100 एज इट इज कर लिया. लेकिन जब लिखा रहे ना कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो डियर स्टूडेंट्स इतना करना है कि 22,000 यहाँ पर भी एग्जाम्पल में था, हम इसको एज इट इज लेंगे 22,000, लेकिन 10 भी एज इट इज लेंगे, लेकिन जब नीचे लिखेंगे ना तो 10/110 लिखेंगे, यानी जो ऊपर वाला परसेंटेज है इसको भी हम जोड़ देंगे इसके साथ. अगर ये 10 है तो 110, अगर ये 20 है तो 120, अगर ये 30 है तो 130, इस तरह से हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये अमाउंट निकल करके आएगा. यहाँ पर देखिए 22,000 है, 10/110 कर दिया गया है, तो ये 2,000 अमाउंट निकल करके आया है. और ये केस कौन सा था डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो ये मैंने दो केसेस आपको बताए हैं, उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसान लगेगा. आप एक चीज़ को समझ जाइए सिर्फ, कि बस दिमाग में आप एक बात को सेट करिए, मैंने इतनी सारी कहानी बताई इसको नहीं याद रखना है, बिल्कुल नहीं याद रखना है, एक बार सुन लिया हो गया काम. अब आंख बंद करिए और आप दिमाग में बिल्कुल याद रखिए कि आप इतना सा सिर्फ सोचिए कि सर ने कहा था जब बिफोर आएगा तो एज इट इज़, अगर 10% है तो 10/100, लेकिन जब आफ्टर आ जाए
तो हमें क्या करना है, 10/110 कर देना है, परसेंटेज 15 है तो 15/115 करना है, परसेंटेज 20 है तो 20/120 करना है। ये सीन आफ्टर के केस में क्रिएट होता है। अब इस कंफ्यूजन को आप, पूरी उम्मीद है मुझे आप इस टॉपिक को पूरा अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि अब इनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो मैं आपको इस्तेमाल करके बताता हूँ। आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट, तो अब हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नजर आया होगा, आपने देख लिया होगा, बहुत इजी वे में क्वेश्चन है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत पहले गिवन बनाइए। एक बार आपको गिवन मिल गया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन जो आपने स्क्रीन पर देखा है उसमें क्या कहा गया है। बात करते हैं, लिखा हुआ है, गिवन है एक्स और वाई दो पार्टनर है। एक्स के पास अगर कहा जाए इनके पास 1 लाख है अमाउंट इनका कैपिटल जो है, और 80,000 है वाई के पास, जबकि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:1 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर एनम कहा गया है वो है 12%, जबकि बात किया जाए वाई को सैलरी मिल रही है। याद रखिएगा एक्स और वाई दो लोग हैं लेकिन सैलरी सिर्फ वाई को मिल रही है। वाई को सैलरी कितनी मिल रही है, 6,000 पर एनम मिल रही है। प्रॉफिट बताया गया है 50,000 है। वहीं पर एक नई चीज इस क्वेश्चन में जुड़ गई है जिसका नाम है मैनेजर्स कमीशन, जिसको कि अभी पूरे टॉपिक को मैंने डिस्कस किया है, लेकिन यहां न बात आफ्टर करके लिखी गई है न बात बिफोर करके लिखी गई है, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। डायरेक्टली जो प्रॉफिट है ऑफ द प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो यहाँ ना आफ्टर की बात ना बिफोर की बात, यानी जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है ये टॉपिक हमें और भी काम आएगा आगे। इस क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन है लेकिन इजी वे में है, आफ्टर और बिफोर करके उसने क्वेश्चन को उलझाना सही नहीं समझा और क्वेश्चन को इजी बना दिया। देखिए लिखा हुआ है ऑफ द ना ऑफ द प्रॉफिट मैनेजर्स कमीशन 10%। तो मैं एक चीज आपको पहली बार बता देना चाहता हूँ, अगर आपको पता ना हो, पीएल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स कमीशन तो लिखा जा सकता है लेकिन मैनेजर्स कमीशन नहीं लिखा जा सकता। तो जब पीएल अप्रोप्रिएशन में मैनेजर्स कमीशन नहीं लिखा जा सकता है तो मैनेजर्स कमीशन जाएगा कहाँ, बहुत ईजी वे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा पीएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे तब जाकर के कहीं आप उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे जो उसका प्रॉफिट बचेगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा था। लिखा हुआ है आपका गिवन है 50,000, ये अमाउंट दिया हुआ है क्या, 50,000 अमाउंट दिया है प्रॉफिट। तो क्या कहेंगे आप, लिख देंगे यहां पर बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये अमाउंट कितना है, दिस इज नाउ 50,000, ये अमाउंट है आपका 50,000 अमाउंट है ये। जबकि कहा जाएगा यहां पर मैनेजर्स कमीशन की बात करें, ये तो इनकम की बात हो गई, मैनेजर्स कमीशन बात करें तो यहां पर आप लिखेंगे 2 मैनेजर्स कमीशन, तो 2 मैनेजर्स कमीशन लिखेंगे। मैनेजर्स कमीशन है कितना, आप देखेंगे दिस अमाउंट इज 50,000, कितना है 50,000 है। 50,000 का हम 10% सीधे सीधे निकालेंगे बिल्कुल इजी वे में, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 5,000 आ गया, हमने यहाँ पर दिखा दिया 5,000। अब क्या हुआ, जो बचा है ये सारा मैंने कहा था ट्रांसफर हो जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना बचा है, अब ये बचा है 45,000, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने टोटलिंग कर ली तो ये हो गया हमारा 50,000, और एज इट इज हम यहाँ भी दिखला लेंगे, देखिएगा हम यहाँ पे भी दिखला लेंगे ये अपना, हम 50,000 अमाउंट दिखा देंगे। चलिए ये बात हो गई। अब मैंने आपको बताया था जब यहाँ से प्रॉफिट लेकर के आते हैं तो क्या सीन क्रिएट होता है, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए मैंने नीचे ही पीएल अप्रोप्रिएशन भी बना दिया। मैंने कहा यहाँ से लेकर के आते हैं तो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट, क्या लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लेकर के आए हैं आप यहाँ से, 45,000, तो आपको एज इट इज दिखला लेना है। आप कैसे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे इस तरह से अमाउंट 45,000, आपने ये दिखा दिया। उसके बाद क्या क्या देना है, आप देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% आपको, तो आप यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट, यहां पर लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल। कौन कौन है? एक्स और वाई है, तो यहां पर लिखिए एक्स और वाई कुछ इस तरह से। एक्स की बात करेंगे तो एक्स के पास कैपिटल कितना है? दिस इज नाउ 1 लाख, तो 1 लाख का हम 12% निकालेंगे, तो बिल्कुल इजी वे में ये 12,000 आ जाएगा। हमने यहां पर लिख दिया 12,000। उसके बाद हम 80,000 का निकालेंगे, 12% अपॉन 100, 0000 ये कैंसिल हो गया, 12 का मल्टीप्लाई 12,000, 12,000, 12 8s आप बताइए कितना होता है? 96, तो ये कितना हो गया? 9,600 आपने यहां पर दिखा दिया, 9,600। तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? आप देखिए जो भी अमाउंट आएगा ये 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21,600 ये हो गया, ठीक। तो इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर वाई सैलरी गिवन है 6,000 पर एनम, ठीक है ना। याद रखिएगा मैंने पहले भी बताया था कि जो वाई की सैलरी है वो सिर्फ वाई को मिल रही है, एक्स को नहीं मिल रही है, मतलब वाई सैलरी है वो एक्स को नहीं मिल रही है, एक ही पार्टनर को मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दिखला देंगे बिल्कुल इजी वे में, आपको दिखलाना है टू सैलरी टू वाई। आप यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरी टू वाई, किसको मिल रही है? वाई को मिल रही है, एंड दिस इज 6,000। अब कितना है? दिस अमाउंट इज 45,000, ये 45,000 रुपए है, जबकि इन दोनों अमाउंट को जोड़ेंगे तो 6,000 और 2,000 जोड़ेंगे, 21,000 और 6,000 जोड़ेंगे तो आएगा 27,600। तो हमको करना क्या है देखिएगा, आप करेंगे इस 45,000 में से 27,600 माइनस, कितना? 27,600 को हम करेंगे माइनस, 0,0 आएगा, 10 से 6 जाएगा ये 4 आएगा, और यहाँ पे 14 7 जाएगा तो 7 ही आ जाएगा, और यहाँ पर आपका बचा कितना है? 4 से 2 जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा, बचा कितना है? 17। आप देखिएगा ये अमाउंट गिवन है 17,400। अब 17,400 को हम पहले एक बार आपको बता दें, यहीं पर कैलकुलेशन देख लीजिए आप, 17,400 का इस रेशियो में हमको बांट देना है। देखिएगा इसको हम करेंगे 2/3 पहले कर लेंगे, ठीक है। 3 5s कितना होता है? 15, और 3 8s 24, 2 0 बढ़ा दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कितना? 2 0 0 2 0 0, 2 8s 16, 1 आ गया, 2 5s 10 और 11, ठीक है ना, 11,600। अगर एक का निकल गया तो दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे 17,400 में से 11,600 को हम माइनस कर लेंगे, 0 0 14 से 6 जब जाएगा ये तो आ जाएगा ये 8, उसके बाद 6 से 1 जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया? 5,800। अब देखिए 5,800 हो गया, इस अमाउंट को दोनों को हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2 जो बचा हुआ है, 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? एक्स और वाई है, तो हम लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वाइज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। कितना कितना अमाउंट जो निकाला है? 11,600 और 5,800, ये अमाउंट हो गया 11,600 और 5,800, दोनों को जोड़ देंगे तो वही पूरा आ जाएगा 17,400, ठीक है, 17,400 हो गया। अब हम इसको नीचे बराबर कर देंगे, आप दिखा देंगे पूरा अमाउंट जितना ये था, कितना था? 45,000, and this will also be 45,000। इस तरह से ये जो क्वेश्चन था हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया। फिनिश होने का मतलब अभी इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम देखने जा रहे हैं, अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो अब हम चलेंगे देखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, आइए देख। तो डियर स्टूडेंट, अब इन चीजों को देखने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को देखने जा रहे हैं किस तरह से हमें बनाना है, आइए दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर लिख के बताया है कि बाई बैलेंस बीडी, मैंने पहले आपको बताया था कि जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए तो सबसे पहले आप बाई बैलेंस बीडी में वो अमाउंट जो इनका कैपिटल था वो लिखना है। आप देखेंगे एक्स का कैपिटल था कितना? 1 लाख, जबकि वाई का कैपिटल था कितना? 80,000, हमने ये दिखला दिया है। उसके बाद नंबर आता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप क्या लिखेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना अमाउंट मिला था आपको अगर सही से याद होगा तो, एक को मिला था 12,000 जबकि दूसरे को मिला था 9,600, मैंने अभी आपको बताया भी था जब क्वेश्चन में करा रहा था। उसके बाद बाई आपका सैलरी की हम बात करें, बाई सैलरी सिर्फ एक ही को मिली थी, बाई सैलरी की बात करें तो सैलरी सिर्फ एक को मिली थी, और सैलरी मिली कितनी किसकी थी?
ये है आपका सैलरी बाई सैलरी, ये सैलरी जो मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे Y को मिली थी, तो Y को सैलरी कितनी मिली थी, दिस वॉज 6000, तो हमने Y की सैलरी दिखा दिया 6000। उसके बाद क्या था बाय, अब क्या है बाय PL अप्रोप्रिएशन से जो हमें प्रॉफिट आया था, देखिए हम लिखेंगे बाय PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके प्रॉफिट्स हमको क्या क्या मिले थे आपको वो भी याद होगा, प्रॉफिट जब बटा था तो मिला था 11600 और 5800, तो X को मिला था 11600 और इनको मिला था 5800, क्योंकि इनका रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था कितना 2:1। अब हम इनको टोटल कर लेंगे, आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर इनको टोटल करेंगे, तो जब ये टोटल कर लेंगे ये अमाउंट तो हमारा क्या निकल करके आएगा, आइए हम देखते हैं। तो टोटल हमको करना है डियर स्टूडेंट, अब देखिएगा लिखा हुआ है 80,000, 80,000 में आप ये सारे अमाउंट जोड़ते जाइए, 80,000 में आप 9,000 जोड़ेंगे तो आएगा 89,000, फिर उसका 6,000 जोड़ेंगे उसमें तो ये आपका बन जाएगा कितना 95,000, फिर 95,000 में जब आप 5,000 जोड़ेंगे तो आएगा 1,00,000, 1,00,000 में फिर आपको जोड़ना कितना है 1,000, तो ये कितना हो जाएगा 1,01,000 और उसके बाद 400 और जोड़ लीजिए, यानी कितना हो गया ये 1,01,400, ठीक है ना, अब ये अमाउंट आ गया आपका। तो फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये अमाउंट हो गया 1,01,400, ये अमाउंट आपका आ गया। उसके बाद गिवन है ये अमाउंट हम निकाल लेंगे, ये कितना है 1,00,000 है, 1,00,000 में 12,000 और जोड़ा, 1,12,000 हो गया, फिर 11,000 और जोड़ा तो कितना आ गया 1,23,600, ये कितना हो गया 1,23,600, इसको देखेंगे उसके बाद हम देखेंगे इस चीज को एज इट इज यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखेंगे टू बैलेंस CD आप लिखेंगे और ये अमाउंट कितना आएगा 1,23,600 और ये अमाउंट होगा 1,01,400, इसको हम एज इट इज यहां पर जब हम नीचे बाद में दिखा देंगे इसको कितना हो जाएगा ये 1,01,400 और ये हो जाएगा 1,23,600। डियर स्टूडेंट इस तरह से ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन आपको एक चीज देखने को मिली होगी, देखिए मुझे काफी पसीना आ रहा है, परेशान हो गया मैं पढ़ाते पढ़ाते, खैर गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, बात ये मैं करूंगा आपसे कि एक क्वेश्चन था जिसमें हमने तीन अकाउंट देख लिए, पहला PL अकाउंट जहां से हम दे करके आए थे मैनेजर्स का, मैनेजर के कमीशन को देके आए थे, उसके बाद वहां से जो पैसा बचा उसको लेकर के आए, कहां पर हम लेकर के आए PL अप्रोप्रिएशन में, फिर उसके बाद हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा गया था, उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां बना के दिखा दिया, इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है। डियर स्टूडेंट वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके लिए ये कंटेंट तैयार करके लाया जाता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो और कमेंट तो तुम्हें करना ही है कि कैसा है, पसंद आया कि नहीं, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो ये कंटेंट दूर दूर तक पहुंचना चाहिए, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।